नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आज आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए लेके आई हूँ इनॉग्नी केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग। जैसा कि दिख रहा है मैंने आपको लिखा बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनॉग्नी केमिस्ट्री का यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आईपीसी नेमिंग के बिना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके आईपीसी नेमिंग आनी चाहिए या उसके नेम से उसके फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, तभी आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको इजीली समझ में आ पाएगी। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आईपीसी नेमिंग करने के लिए हमें कुछ रूलों को फॉलो करना पड़ता है और कुछ लिगेंड्स के नाम आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। लिगेंड के नाम बताने के लिए हमें लिगेंड्स के नाम याद रखने पड़ेंगे। अब उन लिगेंड के नाम क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आज पहले मैं आपको बताती हूँ वट इज द मीनिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। द कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर नेम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेप सजेस्टेड बाय आईयूपीएसी, जिसे आईयूपीएसी का मतलब आप जानते ही होंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम उनका जो नेमिंग करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बेसिस पर उनकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स, जितने भी कॉमन लिगेंड्स हैं यानी कि जो भी मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं, इससे पहले का जो वीडियो है ये पार्ट 7 है, पार्ट 5 और 6 में बता चुकी हूँ कि व्हाट आर मोनोडेंटेड लिगेंड, व्हाट आर बाइडेंटेड लिगेंड, व्हाट आर पॉलीडेंटेड लिगेंड, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप उसमें देखिएगा कौन कौन से मोनोडेंटेड लिगेंड है, उस वीडियो को सामने रख के या उस वीडियो को देख कर आप आईपीसी नेमिंग करना सीख सकते हैं। उस वीडियो को और इसके बाद जो 8th वाली वीडियो है, दैट मीन्स 5th, 6th, 7th और 8th, आप चार वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको ये चैप्टर बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि आप यूपैक नेम कैसे रखेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। ठीक, वैसे भी बीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस में इसमें बहुत सा पार्ट, इसमें से बहुत सी चीज इसमें से आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखिए, नेमिंग वाले कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, लिगेंड क्या होता है, ये सब चीजें बहुत आती हैं एग्जाम में। तो आप इनको इन चार पांच वीडियो को आप आराम से देखेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। नेमिंग ऑफ सम कॉमन लिगेंड्स, लिगेंड आर नेम्ड अल्फाबेटिकली अलोंग द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा फॉर द सिंपल लिगेंड एंड दिस डिस ट्रेस tetrakis etc for the complicated ligand of their number, some of these common ligand are given in table। क्या मतलब है, किसी भी common ligand के नाम को उनके alphabetically आधार पर di, tetra, penta आदि लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई हमारा कोई भी coordinate compound है, like that हमने देखा CO Cl2 NH3 का whole twice, CO NH3 ले लेते हैं और ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, ये आपको पता है ये सेंटर मेटल है और ये सबके सबके हैं लिगेंड है। तो दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस इज द मोनोडेंटेड लिगेंड, तीनों की तीनों क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। हम सेंटर मेटल को छोड़ेंगे, हम लिगेंड का जो नेम होगा, लिगेंड नेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो Cl को क्या बोलते हैं, Cl यानी कि क्लोरो, NH3 बोलता है एमीन, और H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा, इसको क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, तो इनका ये शुरू होता है ए से, ये दोनों शुरू होते हैं ए से और ये शुरू होता है सी से। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले ए एम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं कि जैसे रखा गया ऐसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली नेम उनका नाम लिखा जाएगा। कहने का मतलब पहले किसका नाम लिखा जाएगा, एमीन रखा जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या रखा जाएगा, एक्वा रखा जाएगा, और उसके बाद क्या रखा जाएगा, क्लोरो रखा जाएगा। पहले तो हमने डिसाइड करा, ठीक है, पहले और फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा लिखेंगे। अब ये पहले आपने क्या देखा, पहले आपने इन तीनों में देख लिया एबीसीडी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फिर उनके जितने हैं उनके अकॉर्डिंग उनका डाई, टेट्रा आएगा। तो पहले हमने क्या रखा, एमीन रखा है, एमीन के लिखे क्या लिखा है, टू लिखा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, डाई। ठीक है, वाटर के आगे, वाटर के पीछे कुछ नहीं है, दो तीन कुछ नहीं, एक ही है, तो एक्वा ही रहेगा। क्लोरो में कितने हैं, 3, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ट्रा, डाई, एमीन, एक्वा, ट्राई, क्लोरो, इस तरह से नाम लिखा जाएगा। अगर यही बात हमारा कोई भी, यहाँ पर हमने कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड यूज करा होता, सपोज हमारे पास कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड होता, जैसे कि हमने एक बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, CO En का होल थ्राइस Cl। ठीक है, तो हमारा यह है आपका Cl2+, तो En को मतलब En का नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। आप पहले की वीडियो में देखना, मैंने इनके सबके नाम बता रखे, इसका नाम क्या होता है बता रखा मैंने। फिलहाल आज ये जो है थर्ड स्लाइड में आपको इसका नाम फिर भी मैं दोबारा से इनके नाम सेलेक्ट करके लिख रखे हैं कि आपको इनसे क्लियर हो जाएगी कौन कौन से नाम किसके क्या होते हैं, किस लिगेंड का नाम क्या होता है। तो इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन, और इसका नाम क्या होता है, क्लोरो। तो ये शुरू होता है इथाइलिन डायमीन, इनके अल्फाबेट ई से शुरू होता है, एबीसीडी का ई से शुरू होता है,
और सी आर क्लोरो सी से शुरू होता है, तो पहले सी आता है विजय, तो इसका नाम क्या होगा क्लोरो, पहले इसका नाम क्या होगा क्लोरो, ठीक है क्लोरो, क्योंकि दो है तो इसके आगे क्या लीजिएगा डाई, मतलब अल्फाबेट डाई ट्राई का नहीं होगा, अल्फाबेट केवल लिगेंड का होगा, मैंने लिख रखा लिगेंड नेम अल्फाबेटिकली, लिगेंड का नेम लिखा हमने क्लोरो, क्लोरो के कितने हैं दो है, दो है तो आगे से क्या लगाते हैं डाई, फिर इसका नाम क्या है इथाइलीन डाइमीन, इसका जो नाम है इथाइलीन डाइमीन, इसका नाम क्या है इथाइलीन डाइमीन, ठीक है इथाइलीन डाइमीन के आगे कितने लिखा है थ्री थ्री, तो यानी कि ट्राई नहीं, इसके आगे क्या लिखा जाएगा ट्रिस, क्योंकि ये बायोडेंटेड लिगेंड है, फॉर लिगेंड एंड दिस ट्रिस टेट्राकिस एक्सेट्रा फॉर द कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड, क्योंकि ये बायोडेंटेड लिगेंड है तो इसके आगे क्या आ जाएगा ट्रिस, ये क्या आ जाएगा आपका ट्रिस, अगर ये चार होता तो टेट्राकिस, पांच होता तो पेंटाक्लिस, ठीक है दो होता तो बीस, अगर ये मान लीजिए होल ट्वाइस होता सपोज दिस इज, अगर यहाँ पर हमने लिखा होता सपोज हमने यहाँ पर लिखा होता होल होल थ्राइस लिखा होता तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा थ्री ट्रिस हो गया, अगर हमने यहाँ पर थ्री ना लिखते थे हमने यहाँ पर लिखा होता टू लिखा होता, टू लिखा होता तो टू का नाम क्या होता है हमारा, टू का नाम जो है आपका दो, दो को क्या बोलते हैं बीस, इसको क्या बोला हमने बीस, हमने यहाँ पर क्या इंक्लूड कर दिया बीस, हमने यहाँ लिख दिए थे यहाँ पर टू होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते बीस, तो हमने क्या कहा नेम ऑफ द सब कॉमन लिगेंड का नाम लिखने से पहले पहले उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे, उसके आगे उनके जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अगर जैसे इसके दो मॉलिक्यूल्स थे तो हमने डाई लगा दिया, इसका एक एक था तो एक्वा ही रहने दिया, सीएल के तीन थे तो हमने क्या लगा दिया ट्राई लगा था, सेम वे पहले इसमें हमने क्लोरो क्लोरो लिखा, इथाइलीन डाइमीन का नाम पूरा नाम लिखा, इसके दो थे तो इसके आगे डाई लगा दिया, इसके आगे दो थे तो इसका क्या लगा बीस लगा, अगर तीन होते तो ट्रिस लगाते, चार होते तो टेट्राकिस लगाते, पांच होते तो पेंटाकिस लगाते, इस तरह से इनका नाम इंक्लूड कर दिया जाता, ठीक। अब स्लाइड थ्री में देखिए कि हम इनके नाम तो मैंने आपको बताया इसलिए लिखेंगे कि इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखेंगे, लेकिन इनके नाम होते क्या हैं और कैसे इनके नाम रखे जाते हैं, मैंने कैसे आई मीन बोल दिया किसी को एक्वा बोल दिया, एक्चुअली सिंपल लिगेंड है, इनकी सिंपल लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड का जो नाम होता है, जैसे कि वाटर है तो वाटर को हम आईपीसी नेमिंग में वाटर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं एक्वा बोलते हैं, एनएचथ्री को अमोनिया नहीं बोलते, क्या बोलते हैं एमीन बोलते हैं, दिस इज सीओ, सीओ कोबाल्ट नहीं है, सी कैपिटल सी और कैपिटल ओ, कैपिटल सी और कैपिटल ओ कार्बोनाइल, इस कंपाउंड को कौन से कंपाउंड कहते हैं कार्बोनाइल, एंड ओ एनओ को क्या बोलते हैं नाइट्रोसाइड, एफ एफ मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन को यहाँ फ्लोरीन नहीं बोलते फ्लोरो, सी एल को क्लोरीन नहीं बोलते क्लोरिडो, बी आर को ब्रोमीन नहीं बोलते ब्रोमिडो, आई को आइडो, ओ एच को हाइड्रोक्सो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, ठीक है सी एल को साइनाइड नहीं बोलते साइनाइडो, सी टू ओ फोर ऑक्सीडेट होता है, सी टू ओ फोर का मतलब क्या हो गया आपका सी टू ओ फोर, ये आयन है सी टू ओ फोर आयन, इसको शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम, अब इतना बड़ा तो फॉर्मूला लिख नहीं सकते तो हम इसको लिखते हैं सी टू ओ फोर टू माइनस, तो दिस इज ऑक्सीडेटो, इसको हम क्या लिखते हैं ऑक्सीडेटो, एनओ थ्री नाइट्रेटो, सी ओ थ्री कार्बोनेट, आपने सुना होगा कार्बोनेट हमेशा केमिस्ट्री में यूज ही होता है, बिना कार्बोनेट को तो केमिस्ट्री होती ही नहीं है, क्लोरीन कार्बोनेट इनके टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में भी होता है, फर्स्ट प्राइमरी सेक्शन में टेंथ स्टैंडर्ड में सबसे पहले कार्बोनेट क्लोरो वगैरह हम सीखते हैं, तो दिस इज कार्बोनेटो, एन एच टू एमीडो, एच हाइड्रेटो, एनओ टू माइनस नाइट्रेटो एन, मैंने इसमें लिखा है एन एच टू माइनस एनओ टू माइनस नाइट्रेटो एन, हमने क्या बोला है नाइट्रेटो एन, तो दिख रहा है आपको एन ओ टू माइनस एन ओ टू माइनस, और उसी के नीचे हमने लिख रखा ओ एन ओ माइनस, ठीक है दोनों एक ही चीज है, दोनों का फॉर्मूला एक ही, एक में खोल के लिख रखा है, एक में ऐसे ओपन करके, इसमें एक में एनओ टू करके लिख दिया, इसमें ओपन करके लिखा है, इसका मतलब है कि ये सेंटर मेटल से, जैसे मान लीजिए किसी फॉर्मूले में लिखा है एनओ टू का एनओ टू ऐसे लिखा है, और उसी के दूसरे फॉर्मूले में लिखा है हमने सी ओ ओ एनओ लिखा है, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, सेम नहीं है, आप ये सोचेंगे सेम है, दो बार लिख दिया है, दो बार नहीं लिखा है, एनओ टू को बोलते हैं नाइट्रेटो एन और ओ एनओ को बोलते हैं नाइट्रेटो ओ, इसका मतलब यह है कि जो सी ओ है इससे एनओ टू जुड़ा है और इसमें डोनर साइड क्या है नाइट्रोजन है, कहने का मतलब यह है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि इसको अगर आप ओपन करते हो सी ए होल थ्राइस लिखते हो आप सपोज, इसका मैंने थ्राइस लिखा तो इसका मतलब यह कि सी ओ एनओ टू एनओ टू एनओ टू तीन जगह से क्या जुड़ा हुआ है एनओ टू जुड़ा है, दिख रहा है आपको एनओ टू दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें नाइट्रोजन इज द डोनर साइड, नाइट्रोजन एटॉमिक डोनर साइड की तरह काम कर रहा है, यानी कि नाइट्रोजन कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कार्बन कोबाल्ट, नाइट्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन है डोनेट कर रहा है किसकी तरफ को कोबाल्ट की तरफ को, इसका मीनिंग ये है, अब हमने इसी के कंपेयर में ओ ने लिख रखा है तो इसका मीनिंग अलग होता है, यानी कि दोनों आप सेम समझे, हमने ओ ने लिख रखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सेंटर मेटल है इसमें ओ एन ओ ओ एन ओ ओ एन ओ ओ एन ओ हमने तीन तरफ से जोड़ दिया है तो दिख रहा है आपको ओ एन ओ, ठीक है तीन ओ एन ओ लिख रखा है मैंने, तीनों ओ
तीनों में डिफरेंस उस वाले इस वाले में डिफरेंस ये है कि इसमें डोनर साइड क्या है ऑक्सीजन है, तो जिसमें इसमें ऑक्सीजन कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर मेटल, इसमें ऑक्सीजन कैन बी डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर मेटल, दिस कैन ऑल्सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द सेंटर मेटल। सो दैट मीन्स इससे क्या समझे कि NO2 में डोनर साइड में N होता है तो इसके आगे N लगा देते हैं, O डोनर साइड होता है तो क्या लगाते हैं O लगता है, O2 माइनस ऑक्सीडो, O2 टू माइनस को हम क्या कहते हैं पर ऑक्सीडो, N3 माइनस को एजिडो, H2 माइनस को सल्फाइडो, C6H5 माइनस को फिनाइल, NH2 माइनस को एमिडो, NH2 माइनस इमिडो, ये NH2 माइनस है और ये NH2 माइनस इमिडो हो गया, C6H5 पहले साइक्लोपेंटाडीनाइल बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ये एमिडो और इमिडो में कंफ्यूज हो रहा होगा थोड़ा, इसमें ये है कि ये NH2- है तो ये एमिडो होगा और ये NH2- है ऊपर, ये NH2- है तो ये क्या हो जाएगा इमिडो, ये क्या हो गया आपका इमिडो हो गया, ठीक है। फिर दोनों में ये डिफरेंस है। अब आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि सबके पीछे ओ लगा है, दिख रहा है आपको ये सबके पीछे ओ लगा है, तो आपको मैंने इससे पहले पार्ट फिफ्थ में या फिफ्थ में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, सिक्स्थ में एक्सप्लेन करा था कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि ये आपको दो न्यूट्रल लिगेंड है मैंने आपको बोले, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है आपको मैंने बोले, न्यूट्रल का मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन इसके बाद ये जो लिगेंड है सबके सबके हैं नेगेटिव लिगेंड है, और सारे नेगेटिव लिगेंड के जो नाम होते हैं कॉमन नेम होते हैं, आप इतने सारे जो याद कर पाओ नहीं कर पाओ, अगर भूल गए तो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके जो कॉमन नेम होते हैं उनमें से आप देखना ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, तो क्या बोलते हैं आप साइनाइड ई, क्लोराइड ई, ब्रोमाइड, दिख रहा है आपको ब्रोमाइड, ओएच को हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो आप दिख रहे होंगे सबके पीछे क्या लिखा है ई लिखा है ई, ई को हटा के ओ लगा दो तो उनके यूपीएक नेम हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ब्रोमाइड बोला ब्रोमाइडो, आइडो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सीडो भी बोल सकते हैं, साइनाइडो, साइनाइड को ई हटा के ओ लगा दिया, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेट होता है ऑक्सीलेटो, ओ लगा दिया, सो दैट मीन ई रिप्लेस बाय ओ, ई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं ओ से, तो हमारे यूपीएक नेम पूरे जाते हैं किसके कॉमन जो आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं और सिंपल लिगेंड की कैटेगरी में जो आते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल है अभी पूरे नहीं हुए हैं, जैसे कि कैटायनिक लिगेंड में NO2, NO+ और NO2+, नाइट्रोसियम और नाइट्रोनियम, हमारे पास मैं आपको एक दिन पहले ही बता चुकी हूँ जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी कि जो सेंटर मेटल होता है उसका कैसे चार्ज होता है, हमारा जो सेंटर मेटल होता है वो सेंटर मेटल हैविंग अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड लिगेंड कैन बी ऑलवेज डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो सेंटर मेटल में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है डेफिशिएंसी होती है, तो सेंटर मेटल पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक फैक्ट यही है, तो सेंटर मेटल में डेफिशिएंसी है तो दैट मींस इट हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, तो कैटालिक लिगेंड के होने की टेंडेंसी बहुत जीरो होती है, क्यों, क्योंकि अगर लिगेंड का पॉजिटिव चार्ज होगा तो लिगेंड का पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इट हैविंग अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला डेफिशिएंसी की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, अगर ये डेफिशिएंसी वाला है तो ये भी डेफिशिएंसी वाला हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, तो ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यह है EN इथाइलिन डाइमीन जिसे हम लिखते हैं शॉर्टली NH2CH2CH2NH2, इसमें दो डोनर साइट है, दोनों N होती है NH2CH2CH2NH2, ठीक है। इथाइलिन डाइमीन ये भी कॉमन न्यूट्रल लिगेंड के अंदर था PY, जिसका PY वैसे तो फॉर्मूले में EN करके ही आता है, PY करके आता है, लेकिन अगर कहीं फॉर्मूला आ गया तो ये फॉर्मूला अच्छा ये है C2H8N2 PY पाइरिडीन C5H5N, पाइरिडीन C5H5N हो गया और इसका जो फॉर्मूला होता है C5H5N इस तरह से होगा, लेकिन इसमें सोना करते हुए हम इसको सिंपलाइज क्या करते हैं PY कर करते हैं। OX ऑक्सीलेटो, अभी मैंने ऑक्सीलेट का फॉर्मूला बताया था C2O4 O4, ये होगा C2O4 2 माइनस फॉर्मूला होगा C2O4 ऑक्सीलेटो कहते हैं जिसे हम, डेमिसो DCH3 का होल ट्वाइस SO, डाइमिथाइल सल्फॉक्सो जिसे हम कहते हैं सल्फॉक्सो कहते हैं। इसके बाद कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड विद एब्रिवेशन जैसे कि EDT इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेटो, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटो, इथाइलिन डायमीन का टेट्राएसीटो EDTA करके आता है, GLY ग्लाइसिन इसका फॉर्मूला है NH2CH2COO-, इसको हम कैसे सिंपलाइज करते हैं NH2CH2COO-, अदरवाइज इसको सिंपलाइज जो IEDC मीनिंग में होगा GLY करके ही करा जाता है। ऑक्साइन 8 हाइड्रोक्सो क्यूनोलाइनेटो PHE जो इसका है C12H8N2 इसका नाम है 110 pent-N3-O-line, DMG डाइमिथाइल ग्लैक्सोमेटो, UR यूरिया
अगर यूआर लिखा तो दैट मींस यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है एन एच टू सी ओ एन एच टू यूरिया एंड एन एच टू टी यू एच टू एन सी एस एन एच टू थाई यूरिया, यूरिया को यूआर लिखेंगे थाई यूरिया को टी यू लिख देंगे और इसका इसका नाम क्या होगा, ये आपका थाई यूरिया होगा। ये आपको सिंपल नेम आपको ये बताने के लिए गया है कि कल जब नेक्स्ट टाइम जब आईपीसी सीखेंगे तो आईपीसी नेमिंग रखते वक्त आपको इन नेमों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप भूल गए तो आप इस वाले टेबल को ऑब्जर्व करके आप इनके आईपीसी नेम इजीली रख सकते हो। आईपीसी नेम लिखने का तो तरीका मैंने बता दिया कि किस तरह से लिगेंड का नाम किया जाता है, पहले लिगेंड का अल्फाबेट और चेक किया जाता है कि उनकी नंबरिंग, और उसके बाद जब पूरा नाम हो गया उसका सेंटर बटन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। और उसके रूल क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके अलावा जब उनका नाम लिख देते हैं उसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें हमें उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं आज आपको ये समझाऊंगी, किसी भी सेंटर मेटल एड्रेस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, हमने जो एग्जांपल ले रखा पहला क्या ले रखा है सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स थ्री का, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसका सेंटर मेटल क्या है सी ओ और उसका लिगेंड क्या है आपका, उसका लिगेंड आपका सी ओ एन एस थ्री का होल सिक्स, इसका सेंटर मेटल इसका लिगेंड क्या है आपका अमोनिया। तो इसका सेंटर मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत फाइंड करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब विदाउट कोऑर्डिनेशन नंबर आप आईपीसी नेम नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड किया जाता है सेंटर मेटल को, तो हम इसको पहले सिंपल वे में कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे सी ओ सिक्स एन एस थ्री, सिक्स एन एस थ्री इजिकल टू प्लस थ्री, इजिकल टू प्लस थ्री। हमने क्या करा सी ओ को लिखा एन एस थ्री का सिक्स है, सिक्स एन एस थ्री का इजिकल टू प्लस थ्री, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर जो भी चार्ज होगा अगर चार्ज होगा तो उतना लिख दिया जाएगा, नहीं होगा तो जीरो लिखा जाएगा। इसमें तो प्लस थ्री चार्ज था तो मैंने प्लस थ्री लिख दिया, अगर प्लस थ्री चार्ज नहीं होता तो यहाँ पर क्या लिख देती जीरो लिख देती, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है सेंटर मेटल का। तो सी ओ हो गया, ये होगा दिस इज सी ओ सिक्स, एन एस थ्री अभी आपने पढ़ा था तो एन एस थ्री इज द न्यूट्रल लिगेंड, मैंने आपको अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही आपको ये समझाया मैंने कि एन एस थ्री इज द, एन एस थ्री हमारे पास क्या है न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है सिंपल लिगेंड, वो भी किसकी न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है। तो आपकी न्यूट्रल की कैटेगरी में है तो इसके वैल्यू कितनी हो गई जीरो हो गई, न्यूट्रल लिगेंड है तो दिस इज जीरो इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो दैट मीन्स सी ओ इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस थ्री, सी ओ की वैल्यू कितनी होगी प्लस थ्री, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया थ्री हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया थ्री हो गया, तो दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है थ्री है। सेम वे मैंने एग्जाम्पल लिखा एन आई सी ओ का होल फोर, जो इससे मिलकर बना है एन आई सेंटर मेटल और सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि कार्बन है न्यूट्रल लिगेंड है से मिलकर बना है, तो हमने कह रहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आई प्लस, हमने क्या करा ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने क्या करा सेम वही निकिल यह दिस इज निकिल प्लस फोर सी ओ इज इक्वल टू जीरो, अब जीरो इसलिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है आपका, इसलिए हमने क्या करते हैं जीरो निकिल का फाइंड आउट करना है, निकिल हो गया सी ओ की वैल्यू से आपको अपनी अभी आपने देखा न्यूट्रल लिगेंड जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो एन आई इज इक्वल टू कितना होगा जीरो, एन आई की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक। अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि कोई चार्ज वाला हुआ ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, हमारे पास सपोज एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है के फोर एफ ई सी एन सिक्स, ठीक है कोई फोर एफ ई सी एन सिक्स है तो इसका फाइंड आउट करना है, तो अब ये ब्रैकेट के बाहर काउंटर आइन भी है सारे क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे देखिए ये हो गया फोर इंटू के, सब सब एलिमेंट को लिखा जाएगा प्लस सेंटर मेटल एफ ई प्लस सिक्स सी एन इजिकल टू जीरो, इजिकल टू जीरो क्यों हुआ क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, फोर सी फोर के कोटेशन फोर इंटू के कोटेशन पर कितना चार्ज होता है कितनी वैलेंसी होती है वन, आपको पता है कोटेशन की वैलेंसी कितनी होती है वन, प्लस एफ ई एफ ई को एफ ई तरह लिख दिया प्लस सिक्स सी एन सी एन, अगर आपको कोटेशन की वैलेंसी आनी है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं जैसे के सी एन है, के सी एन को ब्रेक करेंगे कैसे ब्रेक करते हैं के प्लस सी एन माइनस, तो इसका मतलब इसका कितना चार्ज है प्लस वन है, ठीक है सी एन पर के पर कितना चार्ज है प्लस वन, ऐसे ही के सी एन को अगर ब्रेक करेंगे के प्लस सी एन माइनस, तो सी एन पर कितना चार्ज है माइनस वन इजिकल टू कितना हो गया जीरो, सी एन की वैलेंसी कितनी होती है माइनस वन, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया फोर प्लस एफ ई प्लस माइनस सिक्स इजिकल टू कितना हो गया जीरो, सो एफ ई इजिकल टू एफ ई माइनस टू एफ ई प्लस माइनस टू इजिकल टू कितना हो गया जीरो, सो एफ ई ब्रैकेट के उधर माइनस टू का बराबर तो उधर ले गए तो दिस इज प्लस टू, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी टू, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा टू। तो इस आधार पर हम किसी भी सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत क्या पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट के आईपीसी नेमिंग लिखनी है, किसी भी एलिमेंट के हमें आईपीसी नेमिंग को इंक्लूड करना है, हमें किसी भी एलिमेंट के आईपीसी नेमिंग को एक्सप्लेन करना है, हर आईपीसी नेमिंग के बिना वैसे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारी इनकम्प्लीट है, तो उसको शो करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने लिखा
हमने लिखा एफ ई सी एन सिक्स थ्री में, ठीक है। हम इसका एपीसी नेम लिखना चाहते हैं तो हमने कहा पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, कहा आपको भी बताया तो लिगेंड तो एक ही है सी एन, साइनाइड कितने हैं छह, तो हेक्सा साइनाइड को लिगेंड का नाम हो गया, सारे लिगेंड का नाम हो गया, एक ही लिगेंड है फिलहाल तो इसमें। उसका सेंटर मटेरियल आईपी का नाम क्या होता है, आयरन होता है, इसको हम यहाँ पर फेरेट लिखते हैं। अब फेरेट क्यों लिख रहे हैं वो तो आईपीसी नेमिंग के रूल अभी आपको पढ़ाया नहीं है, उसमें आएगा फेरेट। उसके बाद सेंटर मटेरियल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालते हैं तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, ये हो गया एफ ई प्लस सिक्स सी एन, सी एन का माइनस वन चार इज इक्वल टू प्लस थ्री, तो साफ सीधे सीधे निकल जा रहा है एफ ई इज इक्वल टू प्लस थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू कितना हो गया थ्री हो गया, कितना आ गया थ्री, तो इसका माइनस थ्री होना चाहिए, ये आपका कितना होना चाहिए माइनस थ्री होना चाहिए, ये माइनस थ्री हो गया और ये प्लस सिक्स, ये कितना हो गया आपका थ्री आ गया, ठीक है, माइनस थ्री और ये प्लस सिक्स, ये कितना हो गया आपका थ्री आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया थ्री आ गया, और उसके ऊपर से चार से लिखा कितना हो गया आपका आयरन। कहने का मतलब किसी भी लिगेंड का नाम लिखने के बाद जो सेंटर मटेरियल बच जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख के अगर उसके ऊपर आयरन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। तो किसी भी सेंटर मटेरियल का नाम, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम तभी पूरा पाएगा जब सेंटर मटेरियल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कैलकुलेट किया जाएगा, जब तक कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा आप सेंटर मटेरियल का नाम नहीं लिख सकते। तो ये थे आपको सारे लिगेंड के नाम जो मैंने आपको बताया, भी आपको जितने भी लिगेंड के नाम है इन लिगेंड, इस वीडियो को आराम से देखिए, सारे लिगेंड के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट एट आएगा, उस पार्ट एट में मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीसी नेम कैसे लिखे जाते हैं और उसके लिए पांच छह स्टेप जो फॉलो किए जाते हैं उसके आधार पर किसी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा, कौन कौन से रूल फॉलो हो जाएंगे, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए तो नेक्स्ट आपका पार्ट एट जब आएगा उसमें आईपीसी नेम लिखना सीख जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।